आपने अपने उपन्यास का जिक्र किया जिसमें एक स्त्री की प्रेम कथा है और स्त्री जब प्रेम करती है तो भावनाओं का गुबार होता है और अगर उसमें टूटती है तो वो भी कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं इसको शब्दों में बांध पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अगर दो चार लाइनों में आपने ये जो लेखनी इस पुस्तक में चलाई है एक स्त्री की प्रेम कथा के तौर पर उसके बारे में आप कुछ बता पाए तो इसमें आ, एक लड़की है जिसका नाम प्रतीति सेन है वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में रिसर्च करती है और वो एक ऐसे आ, ऐसी नानी की नातिन है जिसके पिता का कोई आ, आ, मालूम नहीं बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान जो आ, जो लड़कियाँ जो औरतें शोषण का शिकार हुई तरह तरह के यौन शोषण का शिकार हुई उन आ, औरतों के बारे में इतिहास सिर्फ बांग्लादेश का इतिहास उनको वीरांगना कहता है और उनके बारे में उन्होंने स्मारक बना दिए लेकिन उन औरतों को उनके परिवारों ने घर में वापस अपने परिवार में वापस नहीं लिया बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो औरतें थीं और जूठी हो गई थी बिल्कुल बिल्कुल तो रहमाना खातून जो कि पहले हिंदू थी वो एक मुक्ति युद्ध के दौरान कलकत्ता से आती हैं अपने पति के साथ अपनी तेरह साल की बेटी के साथ हसनपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ और यहाँ पर उनके रिश्तेदारों के घर पर हमला हो जाता है और नतीजा ये होता है कि पति को मार कर भगा दिया जाता है और स्त्री के साथ यौन हिंसा होती वो भाग जाती हैं और सात दिन तक भूखे प्यासे एक तालाब के किनारे झाड़ियों में छिपी रहती हैं वहाँ से उन झाड़ियों में से उस औरत को बचाने का काम एक मौलवी साहब करते हैं और मौलवी साहब की ये शर्त है कि वो उनकी आठवीं बीवी बन जाए रमाना ख़ातून के पास धर्म परिवर्तन करने और उनकी आठवीं बीवी बनने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि वो अपनी खोई हुई बेटी को टिया को ढूंढना चाहती और फिर ये उपन्यास फ्लैशबैक में चलता है कि टिया जिसका बलात्कार मुक्ति सेना के आ, मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कैंपों में हुआ था उसकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है टिया की और वो समझ नहीं पाती कि वो उसके साथ क्या हो रहा है एक मुट्ठी भात और स्त्री का शरीर बराबर स्त्री का शरीर कितना सस्ता है और स्त्री के शरीर के साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या है मेरे उपन्यास है। का ये ये विषय है